नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभी हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप या फिर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क या कोविड 19 मेडल या एक्ट एक्सीलेटर को कोवैक्स अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड के बारे में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन चलते हैं पहले करंट अफेयर्स की ओर। तारीख है 3 जुलाई और आपका पहला करंट अफेयर्स है कि एक एक्सेलरेटर विज्ञान योजना शुरू की गई है। एक्सेलरेट विज्ञान योजना क्या है? एक्सेलरेट विज्ञान योजना अगर देखा जाए तो भारत में रिसर्च का उतना माहौल नहीं है। यहां पर जो शोध करते हैं विद्यार्थी, उनके लिए सही तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है तो शायद उनको उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, पर्यावरण नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वो शोध कार्य को कर सकें। ऐसे में देखा जाता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं या बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे शोध कार्यों करने वालों की जो स्थिति है वो बुरी है। तो इसको सुधारने के लिए अभी हाल ही में कि देश के वैज्ञानिक शोध को गति तीव्र करने के लिए और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु मानव संसाधन का निर्माण करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सांविधिक निकाय संविधान द्वारा इसको डेवलप किया गया है। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि सर्व द्वारा एक्सेलरेट योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक छात्रों को रिसर्च इंटर्नशिप क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना अनुसंधान की संभावनाओं, परामर्श, प्रशिक्षण और व्यवहारिक कार्य प्रशिक्षण की पहचान करने की कार्यविधि को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगी। इस योजना के 3 व्यापक लक्ष्यों में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का एकत्रीकरण, संसाधनों से दूर अनुसंधान प्रशिक्षुओं को स्तरीय कार्यशालाओं की शुरुआत और अवसरों का सृजन करना शामिल है। ऐसा क्यों होता है कि जो भी नई खोज होती है वो अक्सर पश्चिमी देशों में होती है, जबकि हमारे यहाँ भी बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो इस नई खोजों को कर सकता है। ये सिर्फ इतिहास ही नहीं, बाकी सारे कई सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास इतिहास में हैं जहां से हमें ये पता चलता है कि भारत में भी पर्याप्त ज्ञान भंडार है जिसका हम सही प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। खासकर इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसको विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। एक्सेलरेट विज्ञान ये किस लिए है? जो कि शोध विद्यार्थी होते हैं उनको सही तरीके से, उनके पास जो भी कमी है, अगर मान लीजिए उनके पास लेबोरेटरी नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको ये संसाधन मुहैया कराए जाए। अगली जानकारी तक चलते हैं। आज हम मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है वर्तमान समय में? हर्षवर्धन जी, याद रखिएगा। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है भारतीय अमेरिकी संगीतकार सिद्धार्थ खोसला। इनको अभी हाल ही में ASCAP स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये अवार्ड NBC के ड्रामा सीरीज दिस इज अस के लिए दिया गया है। खोसला को इससे पहले इस सीरीज के लिए एमी अवार्ड के लिए भी नामित किया गया था। स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड का आयोजन अमेरिकी सोसाइटी फॉर कंपोजर ऑथर्स एंड पब्लिशर्स की ओर से किया जाता है। ASCAP का फुल फॉर्म है अमेरिकी सोसाइटी फॉर कंपोजर ऑथर्स एंड पब्लिशर्स। का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? वो सिद्धार्थ खोसला जी को दिया गया है। या गायकों, संगीतकारों और गीतकारों के लिए सदस्यता आधारित एक पेशेवर संगठन है जो कि उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इस बार का आपका भारतीय अमेरिकी संगीतकार अवार्ड ASCAP म्यूजिक स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड जो है वो किसको मिला है? सिद्धार्थ खोसला को। अगली जानकारी की तरफ चलें तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने रंगीन कपास बनाने में सफलता हासिल की है। कपास का रंग अगर देखा जाए तो काफी समय से इसके ऊपर शोध किया जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने भूरी और हरी कपास बनाई थी लेकिन बाकी रंगों के कपास नहीं बना पाए। कपास से आपको पता है कि सूती वस्त्र बनता है, कपड़े बनते हैं, और उन कपड़ों पे कलर करने के बाद उन्हें रंगीन कपड़े बनाया जाता है। तो यहां पर रंगीन कपड़े जो बनते हैं उनके कलर करने में और उनके ऊपर रसायनों का प्रयोग करने की वजह से काफी सारा पानी भी बर्बाद होता है और वो त्वचा के लिए और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल नहीं रहते। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने रंगीन कपास को विकसित करने में सफलता का दावा किया है। इसके विकसित होने से अब कपड़ों में रासायनिक रंगों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि रंगीन कपास को किसने डेवलप किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। वैज्ञानिकों ने कपास के आणविक रंग के जेनेटिक कोड में बदलाव करके यह सफलता प्राप्त की है। जेनेटिक कोड में बदलाव कर वैज्ञानिकों ने अलग अलग रंगों के पौधों के टिश्यू को तैयार किया और अब इन्हें खेतों में उगाया जा रहा है। विश्व में अभी 60% से ज्यादा पॉलिस्टर कपड़ों का निर्माण हो रहा है जो 200 सालों तक नष्ट नहीं होते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।
साथ ही एक किलो कपड़े को रंगने के लिए 1000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। और अब इस कपास से बने धागे को रासायनिक रंगों से रंगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही ये शरीर और पर्यावरण के अनुकूल भी रहेंगे। रंगीन कपास को लेकर भारत में भी काफी प्रयोग हुए हैं। वैज्ञानिकों ने भूरे और हरे रंग के कपास पाने में सफलता भी पाई है। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने रंगीन कपास को 15 पेटेंट भी हासिल किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने बनाई रंगीन कपास। अगली जानकारी की तरफ चले तो नागालैंड में लगातार नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ऑफ नागालैंड द्वारा जवानों पर हमले बरकरार हैं। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नागालैंड ये चाहती है कि उसका पूरी सत्ता जो है, नागालैंड का जो पूरा सत्तापन है, वो सत्ता जो है वो पूरी के पूरे उनके हाथ में दे दी जाए और उन्हें एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाए, राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और ऐसी मांग आज से नहीं, बहुत समय से पहले से चली आ रही है, इसीलिए वहां पे अपस्पा लागू है। अपस्पा को कहा जाता है आर्म फोर्स सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एक्ट। तो सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, माफी चाहूंगा, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 अफस्पा की धारा 3 के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 को अगले 6 महीने के लिए यानी कि दिसंबर तक पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरे नागालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और खतरनाक है कि आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा हेतु सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता है। अफस्पा कानून के तहत सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार प्राप्त होता है। गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर फायरिंग का भी पूरा अधिकार प्राप्त होता है और ऐसा उन क्षेत्रों में किया जाता है जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मणिपुर, यहां पर जम्मू कश्मीर में भी अफस्पा लागू रहा। ऐसा उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर जनमानस के अंदर या कुछ लोगों के अंदर ऐसा विरोध उत्पन्न हो जाता है जो वहां की सरकार के विरोध में काम करना शुरू कर देते हैं और खुद की सत्ता पाने के लिए ललायित हो जाते हैं। तो ऐसा नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ऑफ नागालैंड काफी समय से कर रही है और अभी हाल ही में वहां पर कई जवानों पर हमले हुए थे जिसके बाद उसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो नागालैंड में ये और बढ़ा दिया गया जबकि अभी मणिपुर से 2018 में इसको हटा दिया गया था। रवीन जडेजा को मुतैया मुरलीधरन के बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द क्रिकेट चुना गया है विजडन द्वारा। भारतीय ऑलराउंडर रवीन जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। उन्होंने 2009 में अपने कैरियर की शुरुआत की और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच और 165 वनडे और 49 टी20 मैच खेले। जडेजा की एमवीपी रेटिंग लगभग 97.3 है जो श्रीलंका के मुतैया मुरलीधरन के बाद दूसरे स्थान पर है, जो उन्हें 21वीं सदी का दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर बनाता है। वेस्टर्न क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए अपने टूल क्रिकविज का इस्तेमाल करता है और इसी के आधार पर वो रेटिंग जारी करवाता है और उसमें पूरी दुनिया से लोग रेटिंग करते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी हाल ही में विस्टन ने पिछले 50 साल का सर्वश्रेष्ठ महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को घोषित किया था। ये पुरानी न्यूज है, मतलब कि अभी हफ्ता भर हुआ होगा। अगली जानकारी तरफ चलें तो हाल ही में कॉग एक्स 2020 की घोषणा हुई। हाल ही में भारत सरकार के माई गवर कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 श्रेणियों में कॉग एक्स 2020 पुरस्कार जीते हैं। ये पुरस्कार माई गव के तकनीकी भागीदार जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा जीते गए हैं। माई गव कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 श्रेणियों, प्रथम कोविड-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार की श्रेणी में तथा द्वितीय पीपुल्स चॉइस कोविड-19 की श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कोरोना हेल्प डेस्क को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में माई गव, जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड और व्हाट्सएप के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हेल्प डेस्क है जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये उसका जवाब आपको देगा और कोविड-19 से जुड़ी हुई आपकी शंकाओं का समाधान करेगा। इसे रिकॉर्ड 5 दिनों में डेवलप किया गया है। MyGov भारत सरकार द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक संबद्धता मंच है, यानी कि MyGov जो प्लेटफॉर्म है उसमें अगर आप देखें तो नागरिकों की संख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक सरकारी ऐसा सरकारी पोर्टल है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नागरिक रजिस्टर है। इसके अलावा कॉगएक्स पुरस्कार की बात करें तो कॉगएक्स पुरस्कार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समाज में बदलाव लाने के लिए प्रदान किए जाते हैं और इस बार ये मिला है MyGov कोरोना हेल्प डेस्क को। अगली जानकारी तो चलते हैं नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना जो है ये आपकी
माँ गंगा को स्वच्छ करने की एक परियोजना है और हाल ही में इस पर विश्व बैंक ने 300 करोड़ रुपए की नमामि गंगे परियोजना को 45 अरब रुपए के फंड के ऋण को मंजूरी दे दी है, 400 बिलियन डॉलर की। 45 अरब रुपए का यह ऋण विश्व बैंक द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया गया है। नमामि गंगे यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के पहले चरण जो कि दिसंबर 2021 तक है के लिए विश्व बैंक ने से 4,535 करोड़ रुपए यानी कि 600 मिलियन पहले भी प्राप्त हो चुके हैं। अब तक मिशन के तहत विश्व बैंक द्वारा 25,000 करोड़ रुपए की 313 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नमामि गंगे जल परियोजना केंद्र सरकार की परियोजना है जिसे 2014 में शुरू किया गया था और इसमें गंगा की स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था। विश्व बैंक से प्राप्त इस ऋण का उपयोग नदी बेसिन में प्रदूषण को समाप्त करने और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड परियोजनाओं के विकास और सुधार के लिए किया जाएगा। तो हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 300 करोड़ रुपए की नमामि गंगे परियोजना को 45 अरब रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है। 300 करोड़ की परियोजना है और उसमें 45 अरब रुपए का जो ऋण है उसको दिया गया है। विश्व बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय Washington DC में है और इसके जो हेड है वो है डेविड मालपास। अगली जानकारी है, पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर नियुक्त किया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी है। अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। 2017 में वह मेजर जनरल के पद को प्राप्त करने वाली पाकिस्तानी सेना की तीसरी महिला अधिकारी बनी है। अन्य दो महिला प्रमुख जनरलों में साहिदा बादशाह और साहिदा मलिक थे। तो पाकिस्तान में पहली बार महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है और उनका नाम है मेजर जनरल निगार जौहर। इसके अलावा दो प्रमुख जनरल भी रही जिनका नाम है साहिदा बादशाह और साहिदा मलिक, क्योंकि वह मेजर जनरल को प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की तीसरी महिला अधिकारी है। अगली जानकारी की तरफ चले तो वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंद्रमणि पांडे जी को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि अब संयुक्त राष्ट्र में अगर कोई बातचीत भारत को करनी होगी तो वो इंद्रमणि पांडे के जरिए की जाएगी। वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद शामिल है। हाल ही में भारत को 2020 के लिए WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का अधिकारी भी कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है भारत को WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का। इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंद्र भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और अब उनकी जगह पहुंचे हैं इंद्रमणि पांडे। इसके अलावा पांडे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो संयुक्त राष्ट्र के सबसे पुराने निकाय में से एक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व संपत्ति संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बस एक लाइन, कि संयुक्त राष्ट्र में अब भारत की प्रतिनिधि के तौर पर कौन है, वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे। अगली जानकारी तो चले तो अब न्यूज फटाफट की बात करते हैं। श्रीकांत माधव वैद्य IOC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार मिला है और इससे पहले वह अक्टूबर 2019 में IOC बोर्ड में निदेशक थे। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके अलावा वैद्य IOC के एक स्वायत्त रिफाइनिंग सब्सिडियरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टर्मिनलिंग सेवा प्रदान करने वाले एक संयुक्त उपक्रम इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड के अध्यक्ष भी होंगे। साथ ही वह रत्नागिरी रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रमुख के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक भी होंगे। तो हाल फिलहाल ये रहे श्रीकांत माधव वैद्य जो बने हैं IOC के नए हेड। अब बारी है आज के क्विज की। COG X2020 पुरस्कार किसको मिला है? माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को या माई गो कोरोना हेल्प डेस्क को। देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तीव्र करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु मानव संसाधन का निर्माण करने के उद्देश्य से सांविधिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा किस योजना की शुरुआत हुई है? तो वह है एक्सेलरेट विज्ञान।
भारतीय अमेरिकी संगीतकार सिद्धार्थ खोसला को मिला है इस साल का ASCAP अमेरिकन सोसाइटी फॉर कंपोजर ऑथर एंड पब्लिशर स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड दिया गया। किस देश के वैज्ञानिकों ने रंगीन कपास विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने सशस्त्र बल विशेष अधिनियम, विशेष शक्तियां अधिनियम यानी कि अफस्पा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अधिनियम 1958 की धारा 3 के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 को अगले 6 महीने के लिए किस राज्य को आसान क्षेत्र घोषित किया है? तो वह है नागालैंड। भारतीय ऑलराउंडर जिन्हें अभी हाल ही में विजडन द्वारा 21वीं सदी का मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर चुना गया, तो वह है रविंद्र जडेजा। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 300 करोड़ रुपए की नमामि गंगे परियोजना को 45 अरब रुपए के ऋण की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तानी सेना ने किसको पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो वह है निगार जौहर। और किसको जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है इंद्रमणि पांडे। और श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अब बारी है आज के क्विज की। किस ऐप को या किस वेब पोर्टल को कॉगेक्स 2020 पुरस्कार मिला है? तो वह है माई गव कोरोना हेल्प डेस्क को। देश में सांविधिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो एक्सेलरेट विज्ञान की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना है ये। भारतीय अमेरिकी संगीतकार क्या नाम है उनका जिनको ASCAP स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड दिया गया? तो उनका नाम है सिद्धार्थ खोसला। वैज्ञानिकों ने रंगीन के किस देश के वैज्ञानिकों ने रंगीन कपास को विकसित करने में सफलता का दावा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने रंगीन कपास को विकसित करने में सफलता का दावा किया है। और केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 को अगले 6 महीने के लिए पूरे किस राज्य को, नागालैंड को, आसान क्षेत्र घोषित किया है? भारतीय ऑलराउंडर किन्हें मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर चुना गया है 21वीं सदी का विजडन द्वारा? तो वो है रविंद्र जडेजा। मुतैया मुरलीधरन के बाद ये दूसरे स्थान पर है। हाल ही में किसके द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा 300 करोड़ रुपए की नमामि गंगे परियोजना के 45 अरब रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है? पाकिस्तानी सेना ने किसको महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है निगार जौहर। किसको जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। किसे अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।